check your house. Check your house. Because it's very possible कि तुम्हारे घर में तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के अलावा शायद कोई और भी हो. वीडियो के टाइटल से तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक के अराउंड बात करने वाला हूँ, किन चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ. तुम्हें शायद थोड़ा क्लू लग ही गया होगा. आज मैं तुम्हें ऐसी क्लिप्स दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद तुम खुद क्वेश्चन करने लग जाओगे कि कहीं मेरे घर में तो कुछ और नहीं है, कोई और तो नहीं रह रहा मेरे घर में. क्योंकि ये सारी क्लिप्स देखने के बाद मैं खुद हिल गया था और एक सेकंड मेरे को भी शक होना शुरू हो गया था. जितने भी मॉम्स एंड डैड्स हैं जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, काफी बड़े लोग भी देखते हैं इस चैनल को, तुम जितने लोग अभी ये देख रहे हो, इट्स वेरी पॉसिबल कि पहली क्लिप को देखने के बाद तुम शायद, अगर तुम्हारा एक छोटा बेबी है तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम एक बेबी मॉनिटर लगाने का सोच लो. बाहर की कंट्रीज में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बेबीज को अलग रूम देते हैं. आई नो थोड़ा सुनने में वियर्ड लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि ये कल्चर इंडिया में नहीं है. इंडिया में पेरेंट्स अपने पास ही रखते हैं अपने बेबी को, लेकिन बाहर की कंट्रीज में उनका एक अलग रूम होता है जहाँ पे उन्हें सुलाया जाता है, जहाँ पे उन्हें रखा जाता है. पेरेंट्स अपने बेडरूम से काफी अलग रखते हैं बेबीज को, और वहीं पे यूज होता है बेबी मॉनिटर, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे बेबी सो रहा है वहाँ पे एक मॉनिटर लगा दिया जाता है, एक कैमरा लगा दिया जाता है, जिससे पेरेंट्स देख सकें कि कहीं बेबी परेशान तो नहीं हो रहा, कि वो ढंग से सो रहा है नहीं सो रहा, कि किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं है. ये स्टोरी है कॉनर बूथ की, जब वो 2 साल का था. एक 2 साल के बच्चे में कितनी जान होती है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो 2 साल का बच्चा अपने आप को उठा के चीज़ों के ऊपर रख सके, चढ़ सके चीज़ों पे, या फिर चीज़ों पे बैलेंस कर सके, राइट? आई डोंट थिंक सो कि एक 2 साल का बच्चा उठ के अपने आप को किसी चीज़ पे रख सकता है, या फिर चीज़ों पे चढ़ सकता है, या फिर खुद को बैलेंस कर सकता है. आई डोंट थिंक सो. लेट मी शो यू समथिंग. आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ये कैसे हो रहा है ये किसी को नहीं पता. देखने पे ये क्लिप एकदम असली लगती है और अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन तुम खुद सोचो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बच्चा खुद अपने क्रिप पे चढ़ के खुद को बैलेंस कर सकता है, वो भी ऐसे रोते हुए क्रीपी वे में. आई डोंट गेट इट. मैंने जब ये क्लिप पहली बार देखी थी तो मैं खुद शॉक हो गया था कि ये कैसे हो रहा है. और ये कोई VFX का भी कमाल नहीं है, जितना हमने सर्च करा हमें ऐसा कुछ नहीं मिला. इसके अंदर कोई VFX भी नहीं है, ये प्रॉपर बेबी मॉनिटर की फुटेज है. प्लस दैट किड इज क्राइंग स्क्रीमिंग. ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा परेशान है, कि उसे कोई चीज बॉदर कर रही है. वॉज इट अ घोस्ट, वॉज इट अ स्पिरिट जो उस बच्चे को कंट्रोल कर रही थी, जिस बच्चे को हेल्प कर रही थी बैलेंस करने में, जिसने बच्चे को पूरा उठाया सपोर्ट करा. क्योंकि ये देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी है और ये समझ के बाहर है. तुम भी इस क्लिप को देख के समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है. एंड अगर तुम्हें कोई भी क्लू है, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें शायद पता है कि ये वीडियो कैसे बनी है क्या बनी है, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये मेरे तो समझ के बाहर है. वी डोंट नो कि ये घोस्ट था या एक स्पिरिट थी या फिर क्या ही था. वी डोंट नो क्या हो रहा है यहाँ पे. और बच्चे का खुद चढ़ के बैलेंस करना खुद को रोते हुए, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. जब ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ तो सबके होश उड़ गए. बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इस वीडियो को फीचर भी करा था अपने न्यूज आर्टिकल्स में, उन्होंने टीवी पे भी दिखाया था, बट कोई भी फिगर आउट नहीं कर पाया कि यहाँ पे हो क्या रहा है. चक और केटी बूथ जो पेरेंट्स थे, उन्होंने पब्लिकली आगे एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट ये था कि उनका बच्चा पोजेस्ड नहीं है, बस उनके बच्चे में कुछ स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता है. Is this real or not? Oh, it's 100% real. Bullshit. I can't believe this. How is this possible? एक बच्चे में ऐसी balancing skills हैं कि वो रोते हुए क्रिप के ऊपर खड़ा होके खुद को बैलेंस कर सकता है. Impossible. अब यहाँ पे हमारे पास 2 options आते हैं. या तो हम इस चीज पे बिलीव कर लें कि जो वो बच्चा है उसके पास genuinely खुद को बैलेंस करने की skills है जब वो 2 साल का है, या फिर हम इस चीज में बिलीव कर लें कि घोस्ट एंड स्पिरिट्स होते हैं, उनको बच्चे बहुत पसंद है. तुम्हें क्या लगता है? एंड अगर तुम एक पेरेंट हो तो इमेजिन कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर तुम इस चीज को देखते हो कि तुम्हारा बच्चा ऐसी चीज कर रहा है.
पिछले कुछ टाइम से मैं एक इशू को काफी ज्यादा फेस कर रहा हूँ। पता नहीं मेरे सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ है या पता नहीं क्या हो रहा है, बट मेरी फाइल्स काफी बार करप्ट हो चुकी हैं। मैं कुछ भी नया शूट कर रहा हूँ या फिर मेरी कोई पिक्चर्स है या कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है, स्क्रिप्ट्स हैं, वो कई बार ऐसा हुआ है कि वो करप्ट हो गई हैं और उनको रिकवर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एंड में जाके आई फाउंड वंडरशेयर रिकवर इट। रिकवर इट इज अ फिनोमिनल टूल जिससे तुम अपनी करप्टेड फाइल्स और डैमेज्ड फाइल्स को वापस से रिपेयर कर सकते हो और वापस से यूज कर सकते हो। कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी फाइल्स रिकवर हो सकती है काफी आसानी से। तुम ऑलरेडी अपने करप्टेड और डैमेज फाइल्स को ऑलरेडी प्रिव्यू कर सकते हो रिकवर करने से पहले, और अगर वो फाइल्स रिकवर नहीं होती है तुम्हें कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना टाइम बचा सकते हो और अपने सारे डेटा को 100% रिकवर कर सकते हो। 500 से ज्यादा डेटा लॉस सिनेरियोस, जैसे फॉर्मेट कर देना या फिर सिस्टम क्रैश होना, वायरस अटैक्स और पता नहीं क्या क्या, इन सब केसेस के अंदर तुम्हारी हेल्प करेगा रिकवर, क्योंकि तुम्हारी सारी फाइल्स एकदम प्रॉपरली रिकवर हो जाएगी अगर तुम इनमें से कोई भी इशू फेस करते हो तो। और रिकवर को यूज करके तुम एक बूटेबल USB डिवाइस बना सकते हो जिससे अगर तुम्हारा कंप्यूटर अगर क्रैश भी हुआ है ना तो तब भी तुम उसके अंदर की सारी फाइल्स रिकवर कर सकते हो। तो रिकवर यूज करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज कि तुम्हें डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है रिकवर, और फिर उस लोकेशन को स्कैन करना है जहां से फाइल तुम्हारी डिलीट हुई है, करप्ट हुई है या फिर वो रीडेबल नहीं है। और यहाँ पे मैं अपनी सारी ड्राइव्स को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं रिसाइकल बिन भी देख सकता हूँ, मैं डेस्कटॉप को भी स्कैन कर सकता हूँ। अब मेरे को जिस ड्राइव को स्कैन करना है मैं उसे सिलेक्ट कर लूंगा और ये अपनी स्कैनिंग शुरू कर देगा। स्कैनिंग के बाद मेरे को वो सारी फाइल्स दिख रही हैं जो मैं डिलीट कर चुका था, जो मेरे सिस्टम में नहीं थी, वो सामने सामने मैं प्रीव्यू में देख सकता हूँ और यहाँ से मैं सीधा सीधा अपनी फाइल्स रिकवर कर सकता हूँ। तुम्हें आइडिया नहीं है कि ये चीज कितनी ज्यादा हेल्पफुल है। ये डिस्क इमेज को भी रिकवर करता है। तुम अल्ट्रा HD 4K किसी भी टाइप की फाइल को रिकवर कर सकते हो, और ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कभी भी कोई ऐसा इशू फेस करता हूं तो मैं सीधा जाके रिकवर इट यूज करता हूं। बिट लॉकर इनक्रिप्टेड डिवाइसेस, T2 चिप इनेबल्ड मैक से भी तुम काफी आसानी से अपना डेटा रिकवर कर सकते हो। लिनक्स डेटा रिकवरी को यूज करके तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्रीव्यू होगा उन फाइल्स का जो तुम रिकवर करना चाहते हो। रिकवर करने से पहले तुम्हें खुद दिख जाएगा कि तुम कौन कौन सी फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। रिकवर इट का एक फ्री वर्जन भी है जो तुम जाके ट्राई कर सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें रिकवर इट कैसे यूज करना है। गाइस, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और डाउनलोड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाओ डाउनलोड करो एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। अगर तुम्हें कोई फाइल्स रिकवर करनी है जो खराब हो चुकी है, जिनको तुम रिकवर नहीं कर पा रहे, ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, यू नीड रिकवर इट। आई एम डैम श्योर रिकवर इट तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। अब चलते हैं वापस वीडियो में। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारे घर में कोई और भी है, कोई घोस्ट है, कोई स्पिरिट है या कोई और इंसान है तुम्हारे अलावा जो रह रहा है? कभी ऐसा फील हुआ है? लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एम्बर डॉन एक 20 साल की लड़की जिसने डिसीजन लिया कि कॉलेज के बाद वो जॉब के लिए स्टेट स्विच करेगी, मतलब अपना घर पूरा मूव करेगी किसी और स्टेट में। उसने अकेले वॉशिंगटन के एक छोटे से कोने में एक अच्छा सा अपार्टमेंट ले लिया रेंट पे। वो वहां पे अकेली रहती थी या फिर शायद उसको ऐसा लगता था। कई बार ऐसा होता था कि एम्बर रात को सोती थी और उसको फुटस्टेप्स की आवाज आती थी, हल्के हल्के फुटस्टेप्स की। लेकिन कई बार उसे लगता था कि उसे वहम हो रहा है, कि वो थक चुकी है ऑफिस से, क्योंकि वो पूरे दिन काम करती थी, ऑफिस जाती थी, वीकेंड्स पे थोड़ा दोस्तों से मिल लेती थी, यही उसकी लाइफ थी। तो उसे लगता था कि शायद थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है, इसलिए वो सो जाती थी। फिर एम्बर के पास 3 जॉब्स थी तो वो घर पे काफी कम रहती थी, लेकिन जब वो घर आती थी तो वो काफी वियर्ड चीजें नोटिस करती थी, जैसे कोई लाइट ऑन है जो उसने ऑफ करी थी, कि फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है या फिर कोई दरवाजा खुला हुआ है या फिर बेडशीट थोड़ी सी हिली हुई है। और धीरे धीरे घर से थोड़ी थोड़ी चीजें भी गायब हो रही थी, जैसे खाने का सामान या फिर कोई छोटी चीज। एक रात को 11 बजे के आसपास एम्बर वापस आई ऑफिस से पूरे थक हार के, एंड शी वाज लाइक अब मेरे को रिलैक्स करना है। एम्बर गई अपने बाथरूम में, उसने पानी खोला टब में, एंड वो चुपचाप जाके उसके अंदर रेस्ट करने चली गई। तो उसने डिसाइड करा कि वो आराम से वहां पे लेट जाएगी और थोड़ी देर रिलैक्स कर सकती है। एंड जैसे ही एम्बर उस टब में लेटी तो उसने अपना सर करा ऊपर, वो आराम से लेटी हुई थी, एंड ऊपर सर करते ही उसके ऊपर थी वुडन सीलिंग, बहुत सारे फट्टे लगे हुए थे। बाहर ऐसी ही सीलिंग्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एकदम कॉन्क्रीट, एकदम सॉलिड सीलिंग्स होती है, वैसा वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे वुडन हाउसेस भी होते हैं। तो वहाँ पे वुडन सीलिंग थी एंड उस वुडन सीलिंग में थे क्रैक्स। तो एम्बर आराम से लेटी हुई थी टब में सर ऊपर करके, एंड उसने देखा कि ऊपर से एक क्रैक में से उसको कोई देख रहा है। फॉर्चुनेटली एम्बर ने पैनिक नहीं करा, एम्बर ने काम ली अपना सर सीधा ऊपर से वापस नीचे लाई, थोड़ी देर वहाँ बैठी एंड धीरे से निकल के टब से वापस कपड़े वगैरह पहन के शी लेफ्ट द हाउस, और वो सीधा भागते हुए गई पुलिस स्टेशन। वहाँ से जब पुलिस आई उस घर में, उन्होंने पूरी छानबीन करी तो उन्हें पता चला कि ऊपर जो सीलिंग वाला पूरा एरिया है वहाँ पे एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पे पता नहीं कितने महीनों से
एक इंसान रह रहा था। पता ही नहीं कब से वो इंसान एम्बर के साथ रह रहा था। वो फुटस्टेप्स भी उसी इंसान के थे। वो सारा सामान चोरी भी वही इंसान कर रहा था। जो चोरी किया हुआ सामान था वो सारा का सारा उस छोटे से कंपार्टमेंट में मिला। लेकिन जब पुलिस आई तब तक आई थिंक उस इंसान को पता चल गया था कि पुलिस आने वाली है, एंड वो वहां से भाग गया। ये स्टोरी काफी ज्यादा क्रेजी है। हम इस स्टोरी से इतना रिलेट नहीं कर सकते एज इंडियंस। लाइक हमारे घर यहाँ पे एकदम सॉलिड सीलिंग वाले होते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे कोई क्रैक नहीं होता कि कोई हमें ऊपर से देख रहा होगा, ना हमारे पास टब होते हैं। लेकिन हमारे घर में काफी ऐसी और जगहें होती हैं जहाँ पे कोई आराम से कुछ छुपा सकता है, जैसे बेसमेंट हो गया, या फिर तुम्हारा स्टोर रूम हो गया, तुम्हारी बालकनी हो गई। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद अपना घर जरूर चेक कर लेना, बिकॉज इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे साथ भी कोई रह रहा हो। अब जो तीसरी क्लिप है मेरे पास, उससे आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि घोस्ट और स्पिरिट्स को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है। हमारे पास अभी एक और स्टोरी है जिसके अंदर बेबी मॉनिटर इन्वॉल्व है, तो मैं एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखो। इस फुटेज में तुम देख सकते हो कि एक बच्चा सो रहा है आराम से, कोई उसके आसपास नहीं है, एंड सडनली उस बच्चे का पैर उठने लगता है बहुत ही वियर्ड वे में, ऐसे कि उसका पैर कोई खींच रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं है। एंड जिस तरीके से उस बच्चे की टांगे हिल रही हैं, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि कोई भी बच्चा अपने पैरों को ऐसे हिला सकता है खुद की विल पे भी। किसी और का होना वहां पे और बच्चे का पैर खींचना बहुत जरूरी है, बट वहां पे कोई है ही नहीं। अगेन ये फुटेज बेबी मॉनिटर की है, ये कोई VFX या कुछ और चीज नहीं है। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ है। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप को इस तरीके से मूव कर सके, इट्स नॉट पॉसिबल। और जो इस बच्चे के पेरेंट्स भी हैं वो भी खुद शॉक में चले गए थे ये देखने के बाद, क्योंकि उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा लग रहा है कि कोई घोस्ट या कोई स्पिरिट है जो ये कर रही है। लेकिन घोस्ट और स्पिरिट्स में बिलीव करना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन ये फुटेज देख के अगेन हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स खुद शॉक हो गए थे जब उन्होंने वीडियो देखी थी। उनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो बच्चा था और उसके दोनों पेरेंट्स थे, दे वेंट मिसिंग। उनका कोई ट्रैक नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कि वो कहाँ मूव कर गए, एक तरीके से वो गायब ही हो। एक बात तो सच है कि ये फुटेज असली है और इस वीडियो का किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे हुआ है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम घर में कोई चीज रख रहे हो और वो चीज गायब हो जाती है? कोई एक्सपेंसिव चीज हो गई, जैसे वॉच या फिर फोन हो गया तुम्हारा, तुम वो कहीं पे रख रहे हो एंड सडनली वो चीज गायब हो जाती। फिर तुम घर वालों से पूछते हो कि उन्होंने तो कहीं नहीं रख दी। फिर तुम मेड्स पे शक करने लग कि क्या उन्होंने तो नहीं चुरा ली। लेकिन इन चीजों के गायब होने के पीछे एक और रीजन हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ये देखो। ये आदमी रात को आया और सोने चला गया। सुबह उठते ही वो रियलाइज करता है कि उसका फोन गायब है, पर वो इंसान घर में अकेला रहता था। तो उसने ये चीज चेक करने के लिए कि वो फोन गया कहाँ, उसने अपनी CCTV फुटेज देखी, और जो उसने देखा उसके बाद उसके खुद के होश उड़ गए थे। एक इंसान उसके घर में घुसा हुआ है। रात को जो ओनर है उस घर का, वो सो रहा था, एंड सोते हुए उसी टाइम एक दूसरा इंसान था उस घर में जो उस घर में क्रॉल कर रहा था और चीजों को चुरा रहा था। जो वो चोर था उसके मुंह में एक नाइफ था, एंड वो उस नाइफ को लेके ओनर के बेडरूम में था जब ओनर सो रहा था। वो नाइफ इसलिए था कि बाय चांस अगर ओनर उठ जाता है बीच में तो उसको स्टैब करा जा सके। फॉर्चुनेटली ओनर रात को उठा नहीं, वरना सिनेरियो कुछ और ही होता। जब रात को ओनर ने वो फुटेज देखी तो उसकी सांस रुकी, क्योंकि उससे रियलाइज हुआ कि रात को जो वो चोर था वो चोरी करते करते जब बेडरूम में आया तो उसने देखा कि ओनर सो रहा है,
और जैसे ओनर सोते सोते थोड़ा सा हिला, वो चोर जाके ओनर के बेड के नीचे छुप गया। एंड उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखा। ओनर ये देखने के बाद सीधा सीधा भागते हुए गया था पुलिस स्टेशन अगेन। और इस बार जब पुलिस आई तो दोबारा से जो चोर था वो गायब था। अभी इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम ये वीडियो रात को देख रहे हो, अपने बेड के अंदर बैठे हुए तुम इस वीडियो को देख रहे हो और रूम में अंधेरा हो, एक बार अपने बेड के नीचे भी चेक कर लेना। एट्थ मई 2020, कैंसस के एक छोटे से शहर में रात के 2:30 बजे अनाया नाम की लड़की अपने घर में टीवी देखते देखते काउच पे ही सो गई। ऐसा कई बार होता है ना कि हम टीवी देखते देखते सो जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, वैसा ही हुआ अनाया के साथ। वो अपने काउच पे सो गई। थोड़ी देर बाद घर के अंदर एक इंसान एंटर करता है जो ना ही फैमिली मेम्बर है ना ही अनाया को जानता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर घुसने के बाद वो बहुत शांति से इधर उधर घूमता है जिससे कोई उठ ना जाए। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि काउच पे अनाया सो रही है, वो वहाँ से जाता नहीं है, वो वहीं खड़ा हो जाता है एंड घंटों तक अनाया को देखता रहता है जब अनाया सो रही होती है। काफ़ी घंटों तक वो इंसान बस अनाया को देख रहा था। लाइक हाउ क्रीपी इज दैट? इमेजिन तुम सो रहे हो और एक कंप्लीट स्ट्रेंजर तुम्हारे सर के ऊपर खड़े होकर तुम्हें देख रहा है पता नहीं कितनी देर से। फिर एकदम से अनाया की आंखें खुली और आंखें खोलते ही उसके सामने एक स्ट्रेंजर था। इमेजिन ये कितना क्रीपी होगा। एकदम से अनाया ने उस स्ट्रेंजर को देखा एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग जोर जोर से एंड शी रैन अवे। वो घर से भाग गई। घर से भागने के बाद उसने अपनी मॉम को इन्फॉर्म करा एंड मॉम ने पुलिस को कॉल करा। जब तक पुलिस आई तब तक वो आदमी भाग चुका था। उसके बाद सीसीटीवी चेक हुआ तो पता चला कि घर में एक दरवाजा खुला हुआ था, सिर्फ एक दरवाजा, और उसी दरवाजे से वो इंसान अंदर एंटर कर गया था। लेकिन थोड़ी सी सीसीटीवी फुटेज और चेक करने पे पता चला कि वो इंसान पहले से ही घर में था, वो बाहर से नहीं आया था और पता नहीं वो कितने टाइम से उस घर के अंदर छुपा हुआ था। पुलिस जो है वो उस इंसान को नहीं पकड़ पाई, वो इंसान भाग गया था तब तक। लेकिन इमेजिन तुम्हारे घर में ही एक इंसान इतने टाइम से रह रहा है और पता नहीं रात को कितनी बार ऐसे ही तुम्हें वो देखता होगा। वो जो स्ट्रेंजर था उसने ना कोई चीज़ चुराई ना उसने किसी चीज़ को छेड़ा, उसका पर्पस ही ये था कि वो रात को आके अनाया को देख सके। हाउ क्रीपी इज दैट? कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि रात को सोते सोते तुम्हें कोई देख रहा है? मेरे को तो लगा है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें भी कभी ना कभी लगा होगा। तो जब कभी तुम्हें ऐसा लगे एक बार चेक कर लेना एंड विश करना कि अगर कोई इंसान भी है तो उसके पास कोई नाइफ ना हो या वेपन ना। अपने घर के दरवाजे बंद रखो। चेक योर हाउस। So guys, I hope you liked this video and if you did, make sure ke tum like karo. I have other channels also. I have two other channels. Ek hai Fing Extra and Fing Plays. Fing Extra pe hum hansi mazak karte rehte hain, wahan pe main itna serious nahi rehta. And Fing Plays pe we play games aur live streams hoti hain. Dono kafi fun channels hain, to unko zarur check out karna. I hope you liked this video and if you did, make sure ke tum like karo, share karo and subscribe karo. And main milta hu tumse agli video mein.